तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल ऑनलाइन सेवा में। दोस्तों मैंने पहले वीडियो बनाया आप लोगों के लिए प्रेस रिलीज, जो कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में टॉप 5 चेंजेस जो हुए थे उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। उसी को एनालाइज करके अब मैं आप लोगों को एक एक करके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जीएसटी रिटर्न को लेकर करा गया है, जी हाँ आपको सावधान हो जाना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो फिर आपके लिए वो सिरदर्दी हो सकता है और आपको काफी इंटरेस्ट या लेट फीस भरना पड़ सकता है। तो उन सबसे बचने के लिए कुछ एनालाइज करके मैं आप लोगों के लिए आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और एक एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इस तरीके से लेट फीस या इंटरेस्ट से बच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, जीएसटीआर 1 के लेट फीस को लेकर मैं आपको बताने वाला हूं। और जी हाँ, जीएसटीआर 1 ब्लॉक को लेकर भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं जीएसटीआर 1 लेट फीस। जी हाँ, अभी तक क्या होता था कि अगर आप अपना जीएसटीआर 3 भी ड्यू डेट से पहले फाइल कर लेते हैं या ड्यू डेट तक फाइल कर लेते हैं तो उस पर कोई लेट फीस नहीं लगता था, लेकिन अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते थे तो उस पर लेट फीस लगा करता था, ये आप सभी को पता है। लेकिन अब बहुत ही जल्द ये भी होने वाला है कि जब आप अपना जीएसटीआर 1 ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते, यानी ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, तो उस पे भी लेट फीस लगेगा। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि जीएसटीआर 1 जब हम फाइल करते हैं तो वहां तो कोई भी ऐसा कॉलम नहीं दिया गया है जिसमें लेट फीस मेंशन हो। तो अब जीएसटीआर 1 का जो लेट फीस होगा ना, जब आप अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल करेंगे, जैसे अभी हमें अगस्त का अपना जीएसटीआर 1 फाइल करना था एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और जिन्होंने ड्यू डेट से पहले फाइल कर दिया होगा, जो 11 तारीख लास्ट डेट थी हमारी, कि जिन्होंने अपना 11 तारीख तक जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया होगा, अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने 11 तारीख के बाद जीएसटीआर 1 फाइल करा, जब वो अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल करने जाएंगे तो उसमें लेट फीस कैलकुलेट होकर आएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा, अभी नहीं है लेकिन बहुत जल्द होने वाला है। अब मैं आपको जीएसटीआर 1 ब्लॉक के बारे में बता देता हूँ। पोर्टल पे भी ये मेंशन करा गया था, आप लोगों ने देखा होगा और उस पर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया था कि अगर आप अपने पिछले 2 महीने का जीएसटीआर 3 भी फाइल, ध्यान दीजिएगा, पिछले 2 महीने का जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करते तो आपका जीएसटीआर 1 फाइल नहीं होगा, उसको पोर्टल ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देगी, और जब तक ब्लॉक रहेगा जब तक आप अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं कर लेते। लेकिन अब 1 जनवरी 2022 से क्या करने वाले हैं, ये 2 महीने की जगह अभी आपको सिर्फ 1 महीने का रिलैक्सेशन देंगे कि अगर आपने 1 महीने का जीएसटीआर 3 भी फाइल टाइम पे फाइल कर दिया, नहीं किया तो वो आपका जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर देंगे। जैसे अभी अगस्त मंथ का जीएसटीआर 3 भी फाइल होना है तो अगर आपने जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जब सितंबर का जीएसटीआर 1 फाइल करने जाएंगे तो आपका जीएसटीआर 1 फाइल नहीं होगा, उसको कर देंगे ये ब्लॉक। आगे हम बात करते हैं आईटीसी कैश लेजर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आईटीसी कैश लेजर का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके एक ही पैन नंबर पे 2 जीएसटी नंबर है। अब एक जीएसटी नंबर पे तो आपके कैश लेजर पड़ा हुआ है लेकिन दूसरे जीएसटी नंबर में कैश लेजर नहीं है, जिस वजह से क्या होता था कि आप लोग रिफंड का प्रोसेस अपनाते थे जिसमें कैश लेजर होता था, कैश लेजर में जो कैश पड़े जाते थे उसको रिफंड करवा के उसके बाद डिपोजिट करते थे आप अपने दूसरे जीएसटी नंबर पे, तो इसमें काफी लंबा टाइम भी लग जाता था, इंटरेस्ट लेट फीस वगैरह भी आप लोगों को पे करना पड़ जाता था अगर टाइम पे आप अपना जीएसटी 3 भी फाइल नहीं करते थे। अब क्या करा जाएगा कि अगर आपके पैन नंबर पे 2 अलग अलग जीएसटी नंबर है, 2 है 3 है 4 है जो भी अलग अलग जीएसटी नंबर है, और किसी एक जीएसटी नंबर में एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, किसमें, कैश लेजर में, ध्यान दीजिएगा कैश लेजर में एक्स्ट्रा, चाहे वो सीजीएसटी एजीएसटी या जीएसटी में पड़ा हो, तो आप उसमें इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने दूसरे जीएसटी नंबर पे। पर नोट आपको ध्यान रखना है, नोट मैंने दिया भी है कि डिफरेंट जीएसटी लिंक विद सेम पैन, एक ही पैन पे वो जीएसटी नंबर भी लिंक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप अपने जीएसटी कैश लेजर में से अपने दोस्त के जीएसटी नंबर में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम जीएसटीआर 3 भी रॉन्ग आईटीसी की। रॉन्ग आईटीसी का मतलब क्या होता है, जब हम जीएसटीआर 3 भी फाइल करने जाते हैं तो उसमें अनदर आईटीसी का एक कॉलम आता है, आप लोग देखते होंगे, और 2B के केस में हम उस इनपुट को क्लेम कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे इन एलिजिबल आईटीसी जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं था, आप वो आईटीसी क्लेम कर ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी आपने उसको अवेल कर लिया, जी हाँ किसमें अवेल कर लिया, वो आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है लेकिन उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया, तो उस केस में आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आपने उसको यूटिलाइज कर लिया तो 18% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। अब जीएसटीआर 2B की हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, जीएसटीआर 2B मतलब रूल जो 36 सब सेक्शन 4 था और जो अभी आया है डबल क्लोज ए के साथ, तो जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 है जो कि बहुत जल्द अमेंड होने वाला है, इसके अकॉर्डिंग आप सभी जानते हैं जो हमारा 36 सब सेक्शन 4 है कि जो जीएसटीआर 2B में जितना इनवॉइस आ रहा है और जो इनवॉइस छूट गया है उसका 5% हम ITC क्लेम कर लेते थे, लेकिन अब उसको फिर से अमेंड करा जाएगा, उसमें फिर से बदलाव लाया जाएगा और 2B में जो भी इनवॉइस आएगा सिर्फ आप उसी इनवॉइस का ही ITC क्लेम कर सकते हैं। आपका जो ये 5% एक्स्ट्रा आप ITC क्लेम कर रहे थे ना, इसको भी ये बंद कर देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट उन सभी टैक्स पेयर के लिए है जो इस तरह की गलतियां करते हैं, रॉन्ग ITC ले लेते हैं, GSTR1 टाइम पे फाइल नहीं करते हैं, या GSTR3 फाइल करते समय एक्स्ट्रा ITC क्लेम कर लेते हैं, इन एलिजिबल ITC को भी क्लेम कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं हमसे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।